हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं कोलकाता के फेमस सियालदा स्टेशन के बाहर खड़ा हूं। आप चहल पहल देखिए, सुबह सुबह कितनी है, गाड़ी आ रही है, पैसेंजर उतर रहे हैं। नज़दीक में ही वेजिटेबल मार्केट है, वॉकिंग डिस्टेंस, वहाँ चलते हैं, थोड़ा वेजिटेबल्स को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। कोलकाता की फेमस कोले मार्केट, जैसे ही हमने एंटर किया, मैंने अनकॉमन वेजिटेबल देखी है। सफेद बैंगन ये है आपके सामने, अफसर बैंगन से के टेस्ट ज्यादा है, देखने भी अच्छा है, खाने में बहुत टेस्ट है। इसका रेट क्या? इसका रेट 28 रुपया किलो, 140 रुपया पल्लो। 28 रुपया किलो, वाकई बहुत बड़ी मार्केट है। इसका क्या बोलते हैं इसको? चटनी बनाने के लिए काम आता है, चटनी बनाने के लिए। चटनी एक तो खा लो, एक तो खा लो, एक चुआ बना, एक चुआ बना, चुआ बना, एक चुआ बना, एक चुआ बना, मुंह से दीजिए। इसका सब्जी बनता है या खाली चटनी बनता है? चटनी बनता है। हाँ दादा, एक दीजिए ना। अच्छा, इसको बोलते हैं गंधराज। नॉर्मल नींबू के मुकाबले में ये कम खट्टा रहता है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये बहुत आम मिलेगा। इसका टेस्ट मैं करके देखा है, बहुत मस्त टेस्ट इसका है। 2.5 रुपए का एक, 20 रुपए का दे दो, 20 रुपए का, चलो 20 रुपए का 8 गंधराज आ गया। तो लहसुन कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आ रहा है लहसुन। इसका पत्ता मिल सकता है? मतलब समझ गए ना, तो फली है इसी। हाँ, उसका पत्ता इस बाजार में कहीं दिख सकता है? चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद सर। तो भाई साहब, मटर कहाँ से आते हैं आपके पास? ये आते हैं पंजाब से। वैसे देख रहे हैं हम लोग, एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं यहाँ की वेजिटेबल मार्केट पे। तो कटहल कहाँ से आता है? ये सब केरला से आता है। केरला से आता है, सही है। तो आपने, अच्छा, बोरी में रखा हुआ है कटहल? बोरी में रहता है, कस्टमर आएगा, खुलेगा, बिकेगा। क्या भाव इसका? 250 रुपये, 50 रुपये के जी। 50 रुपये किलो का। मान कोचू, टैरो रूट, मैंने इसकी सब्जी, मुझे याद नहीं आ रहा कभी खाई है। इसका क्या प्राइस है, रेट क्या है इसका? इसका 80 रुपया है, 16 रुपया किला, 1 किला का 16 रुपया। इसका सब्जी का टेस्ट कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है? स्वाद अच्छा होता है। अच्छा होता है, अच्छा होता है। ये देख सकते हैं, इसका साइज कितना बड़ा तक होता है? इतना बड़ा होता है, 20 किलो, हाईएस्ट 40 किलो, 40 kg तो होता है हाईएस्ट। बेर 24 रुपया किलो। ये कामराज शकरगंदी के साथ बहुत खाते हैं, ये कहाँ से आता है? लगभग 1.5 घंटा हमने वेजिटेबल मार्केट घूम लिया है, अपने लिए 2 चीज ले भी लिया है। अभी जा रहे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के पास। बहुत बड़ी मंडी है ये, पूरी की पूरी होलसेल मार्केट है। रिटेल कस्टमर्स तो मेरे को बहुत कम दिख रहे थे, लेकिन लोग बल्क में लेके जा रहे हैं यहाँ से वेजिटेबल्स। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आके।
सुबह सुबह वेजिटेबल मार्केट देखना, 5 बजे ये मंडी स्टार्ट हो जाती है। इस समय हम स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गए हैं। देखिए सामने लिखा भी हुआ है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ये येलो बिल्डिंग। अब यहाँ पर कुछ चाय पियेंगे, स्टॉल्स तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी चलकर देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ चल के पता लगाते हैं। यहाँ पर मलाई टोस्ट देख के मेरे को बनारस की याद आ गई, मैंने वहाँ पर भी मलाई टोस्ट खाया था। और उसके बाद यहाँ पर टोस्ट के ऊपर मलाई और उसके ऊपर चीनी। मलाई फ्रेश है, बाकी थोड़ी सी चीनी डाली हुई है, गुड कॉम्बिनेशन और बढ़िया नाश्ता। यम्मी। यहाँ मेरे को स्टाफ बता रहा था अगर आप संडे को आते हैं तो यहाँ जगह जगह कुर्सियाँ लगी होंगी और बहुत लोग आते हैं सैंडविच और चाय यहाँ पर पीने के लिए। ये देख लीजिए आप एक बार सैंडविच को अंदर से, चीज कॉर्न टमाटर। वैसे वाकई इस तरह का सैंडविच ना चीज और कॉर्न एक बेहतरीन स्वाद तो दे रहा है। वो हल्का हल्का सा जो बाइट में कॉर्न आता है ना और चीज मेल्ट करके जो ऊपर लगा हुआ है, वेरी गुड टेस्ट। और मलाई टोस्ट के बाद इसका मजा भी फुल है। केसर चाय मैंने कोलकाता आके ही पी है, बड़ा जबरदस्त टेस्ट होता है इसका। वैसे इस समय जहां हम बैठे हुए हैं ना, ये कह सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी। मानना पड़ेगा, हालांकि स्वाद सारा केसर का है, लेकिन चाय पे केसर मेरे लिए सेकंड टाइम कोलकाता आने के बाद, उससे पहले कभी नहीं। एक्सपीरियंस तो अच्छा है, कोलकाता आएंगे तो अब एक बार केसर चाय जरूर पीना, आप भी एंजॉय करेंगे। गुड। हम इस समय हॉग मार्केट आए, एक फेमस और 100 साल से ज़्यादा पुरानी बेकरी शॉप में नाहुम्स। अपने लिए फ्रूट केक लिया, ये है फ्रूट केक जो हमने लिया है। अब ऑब्वियसली पूरा तो नहीं खाया जाएगा, थोड़ा सा अभी खाएंगे और बाकी साथ लेके जाएंगे। बहुत लोगों ने रेफरेंस दिया था कि यहाँ पे जाके आप केक मिस मत करना। ओहो, अभी खोलते खोलते ही मेरे को यहाँ पर खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है। ये तो मानना पड़ेगा इस समय केक मेरे से 1 फीट के डिस्टेंस पे है और वाकई मेरे को उसकी खुशबू यहाँ तक महसूस हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कम से कम ये पीस पूरा खत्म कर लूँ, उसके बाद इसके डिश के बारे में बताऊँ। ये अनस्टॉपेबल है, आप रुक नहीं सकते बीच में, जस्ट टू गुड। किशमिश से लोडेड फ्रूट्स का क्या अमेजिंग टेस्ट है और फ्रेशनेस, समझ लीजिए सब कुछ एट इट्स बेस्ट। और अबव ऑल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही एक्सक्लूसिव टेस्ट है।
किशमिश तो हर बाइट में है और ये ऊपर बादाम एक्स्ट्रा बटर के साथ बहुत अच्छा हो गया। मैं यहाँ पर आया और मैंने अपने लिए ये करा लिया, ये मैं अपने साथ बाकी का केक घर लेके जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ अगर वीकेंड हो और पीक टाइम हो तो कितनी भीड़ होगी, क्योंकि इस समय ऑफ पीक टाइम है और वीकडे है तो भी इतने लोग यहाँ पर बेकरी आइटम्स लेने के लिए आए और काफ़ी लोग तो यहीं खड़े होकर खा भी रहे हैं हमारी तरह। ग्रेट, सही एक्सपीरियंस। अब थोड़ी देर बाहर चलकर ये न्यू मार्केट एरिया देखते हैं, उसके बाद हमारा प्लान है, हम फुटबॉल मैच देखने जाना चाहते हैं। 2 बजे का टाइम है मैच का और मैं देखा घड़ी में टाइम ऑलरेडी 1:30 हो चुका है, तो 15 से 20 मिनट हम न्यू मार्केट घूमेंगे और उसके बाद फुटबॉल मैच। दस मिनट अंदर हॉग मार्केट घूमकर मेरे को अंदाजा लग गया यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। कहने का मतलब है गारमेंट्स, ग्रॉसरी, ज्वेलरी, ऑलमोस्ट हर जरूरत की आइटम। शॉपिंग की अगर आप शौकीन हैं तो दिस इज अ मस्ट प्लेस टू विजिट। इस एरिया का नाम है हॉग मार्केट। मैं देख रहा हूँ सामने बोर्ड पे ना न्यू मार्केट भी लिखा हुआ है, तो एक तो मार्केट है बिल्डिंग के अंदर जो हम अभी देख कर आए जहाँ से हमने ये केक लिया, अब एक मार्केट है बाहर। यहाँ पर भी काफ़ी सारी दुकानें हैं तो थोड़ा सा इस बाज़ार को भी एक्सप्लोर करते हैं। हमारे राइट हैंड साइड में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है, जो बिल्डिंग आप ये देख रहे हैं। यही मार्केट घूमते घूमते हमने निजाम्स की वो शॉप देखी जहाँ से काठी रोल की इन्वेंशन की गई, तो ये जो हम काठी रोल खा रहे हैं ये बहुत एक्सक्लूसिव है क्योंकि यहीं से काठी रोल की खोज हुई है। हमने अपने लिए मंगाया चिकन रोल। वाकई में कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी तारीफ की जाए, चार पांच चीज़ें हैं जो मैजिकल हैं इस रोल के अंदर। सबसे पहले चिकन, उसकी मैरिनेशन कुछ भी हाई स्पाइस नहीं है, सब कुछ माइल्ड है। दूसरी बात, उसके साथ जो प्याज डाला गया उसके अंदर सिरके का इस्तेमाल, हल्का हल्के मसाले चटपटे से, और एक मैंने नोटिस किया जब क्योंकि मैं अंदर देखने गया था ये लोग रोल कैसे तैयार कर रहे हैं, इनके पास एक मसाला है जो देखने में ब्लैक पेपर लग रहा है लेकिन वो मसाला है, उस मसाले को थोड़ा सा डाला है तो वो मसाला हल्का हल्का टेस्ट में जो आ रहा है ना वो चटपटा सा स्वाद दे रहा है। व्हाट एन अमेजिंग टेस्ट। मैंने बहुत सारे रोल खाए हैं, दिल्ली में भी खाए हैं, बाहर भी खाए हैं, लेकिन ये बात, ये रोल के अंदर जो बात है ना ये कुछ अलग है। जस्ट टू गुड। मज़ा मेरे को बहुत आ रहा है और मैं हैरान हूँ आज हमको एक हफ्ता हो गया कोलकाता घूमते हुए इंजॉय करते हुए, ये हम लोग काठी रोल कैसे मिस कर दिया। तो अभी 2 बजे का मैच का टाइम है और 2 ऑलरेडी बज चुके हैं, हम लोग लेट हैं तो यहाँ से बस खाते हैं और निकलते हैं। देखो आप न्यू मार्केट में इस समय कितनी भीड़ है। मुझे किसी ने बताया कि अगर आप यहाँ शाम के समय आओगे ना तो आपको अच्छा खासा क्राउड देखने को मिलेगा, तो शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ फेमस एंड अ गुड प्लेस। काफ़ी कुछ है, गारमेंट्स तो सामने दिख ही रही हैं, जैकेट्स, लेडीज सैंडल्स, चप्पल, शूज़, लेफ्ट हैंड साइड में बैग्स, पर्सेस, जूते, कोई भी मार्केट इनकम्प्लीट होती है अगर उसमें फूड स्टॉल्स ना हो, तो यहाँ पर भी थोड़े फूड स्टॉल्स हैं।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस समय हम फुटबॉल मैच देखने के लिए जा रहे हैं। आधा घंटा लगेगा हमको सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुँचने के लिए। और आप जानते हैं कोलकाता में फुटबॉल कितनी फेमस स्पोर्ट है। अभी हम विक्टोरिया मेमोरियल की बैक साइड से गुजर रहे हैं। थोड़ा और आगे जाने पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रविंद्र सदन, यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल्स रेगुलर तौर पे होते रहते हैं। न्यू मार्केट से सॉल्ट लेक का रास्ता बहुत ऑसम है। इस समय हम जिस फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं इसका नाम है मा फ्लाईओवर। नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे JW मैरियट। हम पहुंच चुके हैं विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन। आज का जो फुटबॉल मैच है ये मोहन बगान एथलेटिक क्लब वर्सेस नेरोका फुटबॉल क्लब के बीच में है। तो अभी हम आपसे मुलाकात करेंगे 2 घंटे बाद। अब हम अंदर जा रहे हैं मैच देखने। दोनों टीम्स की तरफ से अच्छा खेला गया। ऑडियंस की तो एक्साइटमेंट का क्या कहने। सेकंड हाफ गेम के अंदर मोहन बगान 1 गोल से मैच को जीत गया। काफ़ी अच्छा लगा। आई विश कि मैं 1-2 मैचेस और देख सकूं कोलकाता के अंदर, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों के अंदर वो पॉसिबल नहीं होगा। हम हाथी बगान एरिया में तेलेभाजा का दुकान पे पहुंच गए। 5 मिनट पुरानी कहानी ये है कि हमने किसी से पूछा तेलेभाजा का दुकान कहाँ है, तो हमको बताया कि आप थोड़ा सीधे जाओ, जहाँ पर आपको खुशबू आएगा समझ लीजिए वहीं पे दुकान है। तो खुशबू फॉलो करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए। हमने अपने लिए 3 चीज़ लिया। अब आप देखिए, ये है मैंगो चॉप, सोयाबीन चॉप और प्याज से बना हुआ पकौड़ा। ओह, बड़ा स्मूथ है। एक्चुअली में तो समझ लीजिए काइंड ऑफ बोंडा है, लेकिन यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं चॉप, और ये अंदर की स्टफिंग तो आपको दिखाई दे रही है। बाहर से टच करते ही मुझको फीलिंग आ रही है ये काफी क्रिस्प टेस्ट आएगा। चीज यूनिक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अंदर की जो स्टफिंग है बहुत शानदार है। हल्का हल्का सा आम का फ्लेवर और मसाले बहुत डिसेंट। सूखा धनिया, ऑसम टेस्ट। हल्की हल्की खटास, टू गुड, मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त। ऑब्वियसली एकदम डिफरेंट टेस्ट है, न्यूट्रिला बहुत बेहतरीन। वैसे ना प्याज के पकौड़े को ऐसा आगे पीछे से देखो हाथ में पकड़ के, तो उसी से आइडिया लग जाता है कि टेस्ट कैसा आएगा। तीनों चीज ही मस्त है। काफी कुछ है मैंने सामने बोर्ड पे देखा वैरायटी। तो अभी क्योंकि हमने आज लंच नहीं किया, लंच और डिनर आज हम कंबाइन करने वाले हैं इसके बाद, तो इसके लिए मैं कुछ और नहीं ले रहा। वरना अगर मुझे डिनर स्किप करना होता तो मैं 2-3 चीज़ और जरूर ट्राई करता। सर टेस्ट बड़ा पसंद आया। कितने साल पुरानी आपकी शॉप है? 100 साल पुरानी है। अच्छा, और ये दुकान फोर्थ जनरेशन चल रहा है। 23 जनवरी नेताजी बर्थडे पर यहाँ पर तेलेभाजा फ्री जाते हैं। अच्छा। बड़े लोग को 4, बच्चों को 2। शानदार। 1942 से क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, और बहुत शानदार। हम पहुंचे गोलबारी श्याम बाजार कोशा मांसू खाने के लिए।
बहुत फेमस ये शॉप है इस तरह से मटन डिश के लिए। अब यहाँ बैठने का सिस्टम छोटा है, शाम के 6 बजे हैं, लेकिन जगह हाउसफुल है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशा मांगशो मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहले खा चुका हूँ कोलकाता के अंदर, लेकिन मेरे को इतना स्वाद लगा था कि मैं सोच लिया था तभी जाने से पहले मैं दोबारा खाऊंगा, और ये जगह तो इसी डिश के लिए जानी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस प्रिपरेशन की खास बात यह है, इसमें पानी ना के बराबर होता है, दही इस्तेमाल किया जाता है, और इसको बनाने में तबीयत से 3 से 4 घंटे तो लगते ही हैं। ये इसको थोड़ा यहाँ पे सर्व कर लें, पहले ग्रेवी टेस्ट की जाए। मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि मेरे को खाते मजा आ जाएगा, और वही हुआ है। साबुत मसाले कितना अमेजिंग टेस्ट दे रहा है, तीखा स्लाइटली हायर साइड पे है, तो मेरे जैसे जिनको लोग जिनको तीखा पसंद है उनके लिए गोल्ड है। बहुत शानदार ग्रेवी, टू गुड। गोशे मांगशो बनाने में दही का जो इस्तेमाल होता है ना, वहां से रॉकिंग खटास आती है। ये आप देखिए मटन पीस, सॉफ्ट और टेंडर, बहुत बेहतरीन कुकिंग। जैसे हम इस रेस्टोरेंट के अंदर आए, एक बार तो मैं हैरान हो गया कि रेस्टोरेंट है कहाँ पे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था वो एंट्रेंस देखकर कि यहाँ इतनी छोटी जगह में कैसे रेस्टोरेंट होगा। लेकिन आके जब मैं लोगों का एंथुजियाज्म देख रहा हूँ, लोग कितने रिपीट आ रहे हैं और कितने जोश के साथ आ रहे हैं, तो मेरे को वाकई लग रहा है कि ये जगह वर्थ इट है। ये है कि थोड़ा सा जगह टाइट है, तो ऑफ टाइम पे आएंगे तो कंफर्टेबल बैठ सकेंगे, जैसे कि हम इस समय एकदम ऑफ टाइम पे आए हैं, उसके बावजूद भी काइंड ऑफ हाउसफुल। मेरे को ये प्रिपरेशन इतनी पसंद आई है कि मैंने अपने लिए एक सर्विंग और मंगा लिया बिना परोठा के। एक चीज मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसके अंदर ना ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है, वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत मजा आ रहा है। खाते समय आपको ग्रेवी के साथ साथ छोटे छोटे बोन पीसेस भी बाइट में आते हैं, तो निकाल कर आपको साइड करने होंगे, जो आम तौर पे मटन खाने में नहीं होता, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये आपका दालचीनी, लोडेड विद दालचीनी और साबुत गरम मसाले। दस मिनट ऑलमोस्ट लगे मेरे को अपने लिए 2 मिठाई लेते हुए, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या लेकर आया हूँ इतनी सारी मेहनत करके। ये है जोलभोरा सांदेश, ये है मोनोहोरा सांदेश। जोलभोरा सांदेश तो मैं पहले खा चुका हूँ, जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे आप देखोगे कि इसके अंदर ये लिक्विड गुड़ है, ये है इसकी खास बात। बाहर तो छेना मैंने आपको बताया। क्या चने की फ्रेशनेस है, और ये मीठा मीठा एहसास गुड़ का लिक्विड फॉर्म में, कितनी भी तारीफ कर लो शब्द ही नहीं है इसके टेस्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। अब थोड़ा आप इसके बारे में समझिए, अंदर छेना और बाहर गुड़, एकदम डिफरेंट टेस्ट, कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है दोनों टेस्ट का। दोनों स्वीट्स अपने आप में बहुत शानदार है, क्या बोले, मतलब अभी तो आलम ये है, और खाने का मन है तो 10 मिनट फिर से लाइन में लगना पड़ेगा, कहने का मतलब इतनी सारी भीड़ है आप तो 10 मिनट इंतज़ार करोगे फिर मिलेगा, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब सबको बहुत पसंद आ रहा है, और ये शॉप तो ना जाने कितनी पुरानी है। बहुत मज़ा आ रहा है कोलकाता की जर्नी में। अब हमारे पास 2 दिन और हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा कुछ मिठाई और एक्सप्लोर करूं, क्योंकि यहाँ की मिठाई का तो मैं फ़ैन हो गया हूँ बहुत बड़ा। काफ़ी व्यूअर्स बोलते हैं आप वेज और नॉन वेज के एपिसोड सेपरेट बनाओ, जो पास में हमने हमेशा कोशिश करी सेपरेट बनाएं, लेकिन केरला सीरीज़ में और कोलकाता सीरीज़ में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी का लॉस हो जाता है। बाकी आप बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा,
हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का. दैट्स इट, बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम.